Reading that. Aye. पशु पंछी जो है वो मतलब प्यासे मतलब मर रहा है और पेड़ पौधा ऐसे देख रहे हैं कि वो भी मर रहा है तो इसीलिए गड्ढा मतलब सब चीज बचाने के लिए पानी पीने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग आपस में हम लोग सब मिल करके विचार करके मीटिंग किए कि चलिए हम लोग गड्ढा खोद के पानी रोकाएं यदि ऊपर से बारिश ऐसे होगा तो पानी उसमें डूबेगा तो सब चीज सही रहेगा। देखते थे कि जंगल बहुत काट रहा था तो जंगल जब काट रहा था तो मैंने कहीं पशु पक्षी जानवर को चरने तक मतलब कि ये नहीं रहता था कि बोले हाँ पाला खाने के लिए नहीं। हम लोग आपस में मीटिंग करके महिला ग्रुप में ना मीटिंग किए और बोले कि चलिए हम लोग जंगल मीटिंग करके बारी बारी से हम लोग छाट करके और रोकेंगे तो बारी बारी से हम लोग छाटे उसके बाद में हम लोग पारी बांट लिए और दो महिला तीन महिला करके डीपी दिए नाश्ता करके तीन बजे चार बजे फिर लौट जाते हैं। अच्छा और जो महिला नहीं जाती थी उसको फैन लगते और यदि कैसे जंगल में तीन तीन महिला ड्यूटी देते थे ना तो को पकड़ा गया यदि हम लोग से तीन आदमी से नहीं हो रहा है हो सकता है कि उधर के जेंट्स लोग रहता है तो जेंट्स थोड़ा महिला से बगझग ज्यादा करते हैं ना तो ऐसे करते हम लोग दो लोग हैं दो महिला रह जाते हैं एक महिला को भेज देते थे घर कि जा करके सब दीदी को बुला के ले आई अब घर वो महिला जाती थी सब दीदी आ करके और उन लोग को फिर हम लोग पाबंदी करके उन लोग को हटा देते थे। जंगल है तो सर तो सुधावा मिलता है तवन पत्तल जो लकड़ी झुरी जो होता है सब हम लोग सब चीज जंगले से करते हैं और जंगल है तो बारिश भी होता है सर। देखते हैं कि जहाँ जंगल नहीं वहाँ बारिश भी नहीं हो रहा है और हम लोग जंगल रखे हैं तो बारिश मिलता है सुधावा मिलता है और कितना बढ़िया कि गर्मी में थोड़ा उतना गर्मी का महसूस नहीं होता है ठंडा में भी उतना ठंडा का महसूस नहीं होता। Yeah.